राजौरी जिले के थना मंडी में अवैध पार्किंग के कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थना मंडी में गाड़ियों के लिए पार्किंग ना होने के कारण लोग अपनी गाड़ी कहीं भी खड़ी कर देते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां तक इस अवैध पार्किंग के कारण सड़क पर घंटों जाम लग जाता है। वही लोगों ने मांग की है, जो भी लोग गलत तरीके से सड़क पर गाड़ी पार्क कर देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि इन पार्किंग के कारण लोगों को जो भी परेशानी आती है उससे छुटकारा मिल सके। थना मंडी से नासिर खान की रिपोर्ट। मैं सैयद मंजर अली शाह, सोशल एक्टिविस्ट थना मंडी से। आज मीडिया के सामने गुफ्तगू करने का जो मकसद है हमारा, वो यही है कि थना मंडी जो हमारी ये तहसील है, हमेशा सियासत का शिकार हुई है। और सबसे अहम और अशद जरूरत यहाँ पे बस स्टैंड की है। बस स्टैंड ना होने की वजह से यहाँ के जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती हैं। यहाँ की एम्बुलेंस, यहाँ की इको गाड़ियाँ, यहाँ की बहुत सारी जितनी भी गाड़ियाँ सब दरबदर हो रही हैं सिर्फ बस स्टैंड ना होने की वजह से। हम डीसी साहब से, पूरी आवाम थना मंडी की तरफ से अपील करते हैं कि हम थना मंडी के जो बस स्टैंड है उसको जल्द अज जल्द नोटिस में लिया जाए। मैं काजी कमर जावेद, समाजी कारकुन थना मंडी से। यहाँ पर मैंने देखा है कि काफ़ी समय से ये जो उसका मसला चल रहा है बस स्टैंड की, इतनी हसरत यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी करने की कोई जगह नहीं, और ना ही यहाँ पर कोई ऐसी पार्किंग है जिसमें ये गाड़ियाँ खड़ी हों। तो मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थाना मंडी के अंदर जल्द अज जल्द ये इसका, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बस स्टैंड थाना मंडी के अंदर जल्द अज जल्द तामीर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की वजह से या न होने की वजह से स्कूली बच्चों की और बुज़ुर्ग जो लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है और बड़े परेशानी का बायस है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी की जाए। वो जहाँ पर जो नीचे स्टैंड चल रहा है वो भी रोड के ऊपर चल रहा है, ऊपर जो स्टैंड चल रहे हैं सारे रोड के ऊपर ही चल रहे हैं, कोई भी जगह खड़ी नहीं करने की जगह नहीं है। इसलिए मैं डीसी साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर ये बस स्टैंड का मामला जल्द अज जल्द देखा जाए। और शुक्रिया।